वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑलिगो सैकेराइड। ऑलिगो सैकेराइड, सैकेराइड मतलब सुगर यूनिट, ऑलिगो मतलब फ्यू, फ्यू मतलब कितनी, 2 से लेके 10। अगर दो मोनोसैकेराइड यूनिट है तो डाइसैकेराइड, अगर तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, क्या सैकेराइड यूनिट। मतलब जो हमने इसमें अगर एक मोनोसैकेराइड है तो वो सिर्फ मोनोसैकेराइड होगा, अगर एक से ज्यादा हो गए तो वो ओलिगोसैकेराइड में आ जाएगा। क्यों, एक से ज्यादा कितना हुआ, या तो दो होगा, दो में बोल दिया डाइसैकेराइड, तीन होगा ट्राइसैकेराइड, चार होगा टेट्रासैकेराइड, पांच होगा पेंटा, कब तक हो सकता है, 10 तक। ओके, ये भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते, ठीक है। मतलब अब छोटे बेटे तो भाई आसानी से मान जाते हैं, पर ये मिज्जे बेटे थोड़ा ठीक है, थोड़े नखरे होते हैं पर कम होते हैं क्योंकि इनसे भी बड़े हैं, तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों, जब इनके पास फ्री OH ग्रुप F प्रेजेंट हो। एक और चीज, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, अगर कीटोन और जो एल्डिहाइड ग्रुप मैंने आपको बताया था, CHO और कीटोन, वो ग्रुप अगर दोनों ग्रुप फ्री हैं, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो वो होता है रिड्यूसिंग फिगर, कि वो दूसरे को रिड्यूस कर सकती हैं। ओके, अगर उनका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप किसी के साथ बॉन्ड बना लिया और वो फ्री नहीं है, बॉन्ड फॉर्म में है, तो वो नॉन रिड्यूसिंग फिगर होती हैं। क्यों, क्योंकि अब क्या होगा, अब दो मिलेंगे, दो मोनोसैकेराइड मिलेंगे, तीन मिलेंगे, चार मिलेंगे, पांच, तो इसमें से कुछ H और OH फॉर्म फ्री होंगी किसी की मोनोसैकेराइड की, किसी मोनोसैकेराइड की नहीं होंगी। तो अगर डाइसैकेराइड में, किसी डाइसैकेराइड में H और OH फ्री, OH फ्री नहीं है, बॉन्ड फॉर्म में है, तो वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। अगर वो फ्री है, बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, H2O के साथ, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, फिर से समझो, एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का क्या चक्कर है। रिड्यूसिंग जिसमें फ्री CHO और कीटोन ग्रुप हो, फ्री ग्रुप हो, है ना। अब मोनोसैकेराइड में तो सारे फ्री ही थे, ओके, तो आराम से बॉन्ड बन रहा था, पर ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में कौन कौन से आते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा से लेके कितने तक, 10 तक, ठीक है। तो इसमें जरूरी नहीं है, किसी में फ्री हो सकता है, किसी में फ्री नहीं होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जिसमें फ्री नहीं है वो नॉन रिड्यूसिंग फिगर होगी। तो चलिए अब हम आते हैं डाइसैकेराइड पे। डाइसैकेराइड इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको अगर डाइसैकेराइड समझ में आ गया तो आप आराम से ट्राई और टेट्रा को बना सकते हैं, एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत है बस। सबसे इंपॉर्टेंट है सुक्रोज, किससे बनी होती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला, C6H12O6, फ्रक्टोज का C6H12O6, ठीक है। दोनों जुड़ते हैं कौन से बॉन्ड की सहायता से, जुड़ेंगे दोनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और कहीं भी बनता है, कहां, जब हमने न्यूक्लिक एसिड बताया था तो हमने आपको पढ़ाया था कि नाइट्रोजिनस बेस राइबोस सुगर से किसकी सहायता से जुड़ता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब ये पूछा जाता है कि बॉन्ड की डायरेक्शन पूछी जाती है कि सुक्रोज में जो बॉन्ड बनता है वो β14 होता है या α14 होता है, ठीक है। अब आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाने लगूंगी कि बीटा, आप ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बता के तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसको एक ट्रिक से याद करा देंगे। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं, सुक्रोज। एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो क्या फॉर्मूला हुआ सुक्रोज का, C12H कितना हो रहा था हमारा, 24 में से 2 निकल गया, H22, O कितना हो रहा है 12, तो O में से 1 निकल गया। ये हमारा हो गया सुक्रोज का फॉर्मूला, और इसमें कोई भी फ्री कीटोन एसिटोल एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, तो सुक्रोज जो होती है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुक्रोज क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसी
जब फोटोसिंथेसिस में जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है सुक्रोज, वो उसी फॉर्म में लीफ से रूट स्टेम अदर पार्ट में ट्रांसफर की जाती है, नॉन सुक्रोज होती है, सॉरी नॉन रिड्यूसिंग होती है। इसी के कारण सुक्रोज फोटोसिंथेसिस में ट्रांसफर होती है ताकि वो किसी के काम को डिस्टर्ब ना कर सके, किसी सेल में किसी पार्ट में मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब नहीं करती, किसी को रिड्यूस नहीं करेगी। और इसीलिए फोटोसिंथेसिस में सुक्रोज जो होती है वो ट्रांसपोर्टिंग शुगर होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी शुगर यूज होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सुक्रोज। क्यों? दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग होती है। अब आपसे कोई पूछ सकता है, चलो ठीक है, वो इतना भी नहीं पूछेगा कि क्यों नॉन रिड्यूसिंग होती है, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता है। खत्म हो गई। एक एग्जांपल सुक्रोज हो गया डाइसैकेराइड का। दूसरा एग्जांपल आ जाओ, क्या था? माल्टोज। माल्टोज किसके से बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सिंपल। इसको कोई झंझट नहीं है, ग्लूकोज एक ग्लूकोज आता है, दूसरा ग्लूकोज आ जाता है। सुक्रोज सबको पता चल गया कॉमन शुगर है, टेबल शुगर होती है, और किससे बनी होती है? फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। अभी हमें इनका लिंकेज नहीं पता कि ये जो दो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़े थे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, उसकी डायरेक्शन क्या थी, वो हमें याद करनी है सबको। दूसरा हो गया क्या? माल्टोज, किससे बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। और थर्ड क्या हो गया? थर्ड हो गया लैक्टोज। लैक्टोज क्या होती है? मिल्क शुगर, दूध में जो पाई जाती है ना, वो बनी होती है ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज तो सब में आएगा, ठीक है, ग्लूकोज तो आएगा ही आएगा, वो बोलते हैं ये तो मेन लीडर है इनका मोनोसैकेराइड का, तो ग्लूकोज तो आएगा ही आएगा। दूसरा या तो सुक्रोज आ सकता है, तो वो आ गया उसमें, ठीक है, किसमें आ गया वो? सुक्रोज नहीं, या तो फ्रक्टोज आ सकता है, तो वो किसमें आ चुका है? सुक्रोज में। या फिर दो ग्लूकोज आ सकता है, तो वो ऑलरेडी माल्टोज में आ गया है, है ना। तो इसमें आता है ग्लूकोज प्लस क्या बचा हमारा? गैलेक्टोज। सुक्रोज जो होती है वो टेबल शुगर होती है, और माल्टोज माल्ट शुगर होती है, सबको पता है, खैर इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाइसैकेराइड आपको बता दिया, डाइसैकेराइड के तीन एग्जांपल, तीन क्लासिफाई किया गया है, डाइसैकेराइड के तीन एग्जांपल हैं। पहला है सुक्रोज, किससे बना होता है? ग्लूकोज तो हो गई होगा, ग्लूकोज तो मेन दादा है, लीडर है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सेकेंड है क्या? मैनोज, सॉरी माल्टोज। माल्टोज किससे बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ठीक है। तीसरा क्या है? लैक्टोज, दूध में जो पाई जाती है, किससे बनी है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ठीक है, क्योंकि इसमें भी नाम आ रहा है लैक्टोज, तो मुझे लगता है याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद रहता है चीजें, कि इसमें भी गैलेक्टोज आ रहा है। पर ये मत कंफ्यूज करना कि गैलेक्टोज यहाँ पर लिख दो और लैक्टोज यहाँ पे लिख दो, ये मत कर देना कभी, ये याद रखना कि दोनों सेम है। जी जी, ठीक है, चलो अब हम आते हैं किस पे? डाइसैकेराइड हो गया, अब इनका लिंकेज याद कराइए, रुक जाओ, ठीक है। अब डाइसैकेराइड हो गया, अब आता है ट्राइसैकेराइड। मैंने क्या बताया? ग्लूकोज तो हो गई होगा, अब ग्लूकोज के बाद कौन है मैन सेकंड लीडर? फ्रक्टोज। तीसरा क्या बचा? गैलेक्टोज, ठीक है। इसमें ये होता है ना, ये ग्लूकोज इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, ग्लूकोज जो होता है वो लिंक करता है किसको? फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को। इसका एग्जांपल है रैफिनोज। टेट्रा में क्या होगा? ये तीन तो होंगे ही होंगे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, है ना, ये तीन तो होंगे होंगे प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज बोल रहा है, एक और अपने भाई को बुला देता है, ये हो गया टेट्रासैकेराइड। चार मोनोसैकेराइड से बना है, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज और एक और गैलेक्टोज, ये हमारा बेसिक है। मैंने आपको बताया ग्लूकोज तो हो गई होगा, ग्लूकोज के बाद कौन आएगा? फ्रक्टोज तो हो गई होगा, उसके बाद फ्रक्टोज के बाद बता कौन? गैलेक्टोज, क्योंकि तीन ही मेन है, और भी है पर तीन ही मेन है। उसके बाद टेट्रा हो गया, उसके बाद पेंटा। अच्छा, टेट्रा का एग्जांपल क्या है? रैफिनोज। टेट्रा का एग्जांपल है स्टाइगोज। किस किससे बना होता है? ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज। अब पेंटा टेट्रा में क्या, पेंटा में क्या होगा? ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज प्लस एक और गैलेक्टोज, मतलब एड क्या, कौन सी यूनिट हो रही है? गैलेक्टोज। तो पेंटा का एग्जांपल होगा बारबस्कोज। ठीक है, किस किस से बना होगा? ग्लूकोज तो हो गई होगा, फ्रक्टोज भी होगा, उसके बाद बचा क्या? कंफ्यूज ना करना तुम लोग, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, तीन तो हो गए, कितने चाहिए? पांच। दो और चाहिए,
ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोलते हैं हम तो लीडर है, हम अपना नंबर नहीं बढ़ाएंगे। फ्रक्टोज बोलता है ना हम लोग तो लीडर है, ग्लूकोज बोलता है मैं तो भाई किंग तो एक ही होता है, फ्रक्टोज बोलता है मैं भी किंग हूँ मैं भी नहीं बढ़ाऊंगा। बेचारा कौन बचता है? गैलेक्टोज। तो वो अपने नंबर बढ़ा बढ़ा के इनकी यूनिट को पूरा करता है। पेंटासेक्राइड में 5 यूनिट होनी, अब ये दोनों जिद्दी हो गए तो कौन बेचारा, किसी को तो मानना पड़ेगा, तो मानता कौन है यहाँ पे? गैलेक्टोज। चलो अब सबके एग्जाम्पल क्लियर हो गए, एक बार मैं आपको ना चार्ट फॉर्म में बता देती हूँ तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट कितने बेटे हुए कार्बोहाइड्रेट के? मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। कितनी यूनिट? एक। इसमें कितने यूनिट? 2 से लेके 10 यूनिट, इसमें 11 से लेके 1000 यूनिट। इसको इसको कैसे क्लासिफाई किया गया था? ना ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर, ठीक है? कितने कार्बन हो सकते हैं इसमें? 3 से लेके 7 कार्बन, ठीक है? ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज, ठीक है? क्लियर है? ट्रायोज का एग्जांपल था यूनिसेल्यूलोसाइड, डीएचए। टेट्रोज का इरिथ्रोज और इरिथ्रोज, पेंटोज का आरएएक्स, याद रखना, राइबोज, राइबोज, अरेबिनोज, जायोज और जाइबोज। हेक्सोज का सुक्रोज, फ्रक्टोज, बताओ गैलेक्टोज और बताओ मैंगोज। हेप्टोज का सबसे बड़ी शुगर सीडो हेप्टोज, ठीक है? ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में कितनी यूनिट हो सकती है? 2 यूनिट, तो उसको बोलेंगे डाइसैकेराइड। उसके बाद ट्राई है ना, आगे तो लिखी होगी सैकेराइड। उसके बाद टेट्रा, उसके बाद पेंटा, ये कितनी हो सकती है? 10। चलो डाई के एग्जांपल पढ़ते हैं, कौन कौन से? सुक्रोज किससे बना होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। उसके बाद जो रिच होता है, माला माल होता है, जिसके पास ज्यादा माल होता है, माल्टोज। एक जैसी दो चीज होगी तभी माला माल होगा, रिच होगा, कौन कौन सी होगी? ग्लूकोज, ग्लूकोज ज्यादा पी लिया, रिच हो गया वो, ठीक है? तीसरा लैक्टोज, मिल्क शुगर, किससे बना होगा हमारा? ग्लूकोज, मैंने क्या बोला, ग्लूकोज तो समय पाया जाएगा, प्लस गैलेक्टोज से। उसके बाद ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल था रेफिनोज। रेफिनोज किससे बनेगा? देखो ग्लूकोज तो दादा है, लीडर है, एक ही होता है किंग, फ्रक्टोज क्वीन है, वो भी एक ही होती है, अब बचा गैलेक्टोज, टेट्रा, स्टाइकोज। स्टाइकोज किससे बनेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज, क्योंकि चार है, बचा पेंटा। किंग तो एक ही होगा ग्लूकोज, क्वीन भी एक ही होगी फ्रक्टोज, अब जो बचा कौन? गैलेक्टोज, वही अपना नंबर बढ़ा रहा है बेचारा। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज। इस पेंटोज का एग्जांपल क्या था? बारबस्कोज। क्लियर है सबको? कोई पॉलीसैकेराइड कितने सैकेराइड यूनिट से बना होगा? 11 से 1000 यूनिट। अब पॉलीसैकेराइड का भी जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो रूपों में, मतलब दो तरीके से किया गया है। एक तो कि जिसमें सारी यूनिट एक जैसी हो, होमोपॉलीसैकेराइड, और दूसरा जिसमें अलग अलग मोनोसैकेराइड यूनिट हो, ठीक है?
हेटेरोपॉलीसेकेराइड। मतलब जो ये 1000 यूनिट से जो बना है, अगर वो सब सेम है तो वो होगा होमो। हो मतलब सेम, अगर वो सब अलग अलग है तो वो होगा हेटेरो। होमो का एग्जाम्पल, होमो के सबसे कौन से एग्जाम्पल है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन और एक और बच गया काइटिन। ये क्या होता है, सेम मोनोसैकेराइड यूनिट से बने होते हैं। अभी नहीं पता किस यूनिट से बने होते, बस ये पता है कि जो सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन और काइटिन जो होते हैं वो होमोपॉलीसैकेराइड एग्जांपल है। हेटेरो के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हेमीसेलुलोज। बहुत लोगों को तो ये नहीं पता होता कि हेमीसेलुलोज एक्चुअली हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है और इसकी यूनिट भी सब अलग अलग होती है। और जो म्यूसीवेज होते हैं जैसे हिपेरिन, ये सब होते हैं इसमें, हाइड्रोलोनिक एसिड। होमो को हमने बता तो दिया कि किस किस की एक यूनिट होती है, पर हमें नहीं पता सेलुलोज में कौन सी यूनिट होती है। सेलुलोज जो होता है वो बना होता है बीटा डी ग्लूकोज का। ये बीटा क्या है, डी क्या है, ये सब स्टीरोआई मतलब स्टीरो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेलुलोज का जो है, सेलुलोज किसका पॉलीमर है पूछा जाता है, किसका पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज। और एक और चीज, जो सेलुलोज होता है ना वो लीनियर होता है, एक तरह जुड़ते जाते हैं, ठीक है, सब मतलब एक ही तरह से जुड़ते जाते, कोई ब्रांच नहीं बनती। और स्टार्च जो होता है क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का, किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, और ये ब्रांच होता है। मतलब इसमें हर 200 न्यूक्लियोटाइड 200 मोनोसैकेराइड के बाद एक ब्रांच आती है, ओके। तो सेलुलोज किससे बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज से, और स्टार्च किससे बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज से। इनके भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लिंकेज होता है इनमें, ये भी बताएंगे हम आपको, ओके। अब कौन से बचा, बचा कौन सा, हेमीसेलुलोज किससे बना होता है, गैलेक्टोज, अरेबिनोज, मैनोज और जैगोज से। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि, और ये पूछा भी जाता है कि हेमीसेलुलोज की कौन कौन से मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। तो अब सबको पता चल गया कौन कौन, GMX, जी से गैलेक्टोज, ए से अरेबिनोज, एम से मैनोज और एक्स से जायोज। और हमने सेलुलोज और स्टार्च का बता दिया, काइटिन वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काइटिन सेम बीटा डी ग्लूकोज यूनिट का ही बना होता है, इनोविन भी ग्लूकोज यूनिट का ही बना होता है, ठीक है। चलो अब बचा क्या, हाँ ये तो हो गया था कि स्ट्रक्चर की होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरो। और एक और क्लासिफिकेशन है कि पॉलीसेकेराइड में कौन सा स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होता है और कौन सा स्टोरेज, क्यों, क्योंकि देखो जो सेलुलोज हेमीसेलुलोज होते हैं वो सेल वॉल बनाते हैं मेनली, काइटिन भी सेल वॉल बनाता है, फंगस सेल वॉल। तो स्टोरेज कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो पता है सेल वॉल बना रहा है तो सेलुलोज हेमीसेलुलोज ऑब्वियसली स्ट्रक्चर होंगे। और स्टोरेज कौन सा, जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस के बाद जो खाना बचता है, काम नहीं हो रहा, उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। देखो बहुत सारी चीजें जानना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है उसकी डायरेक्शन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की डायरेक्शन, तो सुक्रोज में आते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हमने वही बनाया था सुक्रोज। सुक्रोज बना होता है बीटा डी ग्लूकोज से, ठीक है, और बीटा डी फ्रक्टोज से। ये बीटा और डी, ये मतलब इसके स्टीरियो केमिस्ट्री में फॉर्म होते हैं बीटा और अल्फा, ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बताएंगे। तो हमको बस, हमको क्या करना, बॉन्ड याद करना है, ओके। तो सुक्रोज बीटा वन फोर, मतलब पहले पहली यूनिट का पहला कार्बन और दूसरी मोनोसैकेराइड यूनिट का फोर्थ कार्बन। तो पहली यूनिट क्या है, ग्लूकोज, और दूसरी यूनिट फ्रक्टोज, क्लियर है। उसके बाद अब ये तो आपको समझ में आ गया ना कि बीटा वन फोर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि बीटा डी ग्लूकोज, मैंने बताया ना कि सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, तो बीटा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का हमें नहीं पता, बीटा डी फ्रक्टोज का फोर्थ कार्बन, ठीक है। अब इसका मैंने ट्रिक याद किया, CLCIS, इन सब में कौन सी लिंकेज होती है, बीटा लिंकेज, ठीक है, कौन सी बीट, मतलब इन सब में कौन सा होता है, बीटा या तो 1,4 होगा या 1,2 होगा, ठीक है। सेलुलोज में बीटा 1,4, रेक्टोज में बीटा 1,4, पर ये याद रखना ये तो है हमारे पॉलीमर और ये जो है दोनों भाई साहब ये है हमारे
ये पॉलीसेक्राइड ये है ऑलिगोसेक्राइड ट्राइसेक्राइड। काइटिन में बीटा 1,4, इनुलिन में बीटा 2,1, सुक्रोज में बीटा 1,2। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है, उसके अलावा जो बच गया उन सब में अल्फा पाया जाता है, ठीक है। अब आपको मैंने ये मतलब भी सुना दिया कि पहली जो ग्लूकोज है उसका तो पहला कार्बन और दूसरा जो फ्रक्टोज है उसका क्या फोर्थ कार्बन, ठीक है। तो उससे हमने नाम दिया है बीटा 1,4। ये जो बीटा डी, इनसे कंफ्यूज मत होना, ये आइसोमर है, ये मतलब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि ग्लूकोज के स्टीरियोमर आइसोमर, ठीक है। तो ये बीटा डी उसी की फॉर्म है, आपको बस याद रखना है कि बीटा किस किस में होता है और अल्फा किस किस में होता है। सो थैंक यू, आप सबको मुझे लगता है समझ में आया हुआ, होप सो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और मैंने न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, आप जरूर जाके वो वीडियो देखें। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने सबसे शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की है, और ये मैंने सब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं बताया है कि आपको बहुत ज़्यादा अगर एआरएस मेंस में या एसआरबी मतलब कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना हो तो आप शॉर्ट फॉर्म में जितना लिख सकते हो उतना मैंने आपको बताया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।